नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। हर किसी को अपने मजाकिया अंदाज से हंसाने वाली राखी सावंत टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली राखी सावंत कि आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे देखने के बाद हर कोई अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाएगा। बता दें कि राखी सावंत की मां आज पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं। कल रात यानी कि 28 जनवरी की रात राखी सावंत की मां जया भेड़ा ने अंतिम सांस ली। हॉस्पिटल में वो लंबे समय से एडमिट थी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। पहले कैंसर और फिर उसके बाद ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रही थी और आखिरकार कल रात उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राखी सावंत अपनी मां के बहुत ज़्यादा करीब थीं और उन्हें खोने का दुख राखी के लिए कितना बड़ा है वो आज सबके सामने आ रहा है। जिस तरह से अपनी मां को याद करके फूट फूट कर रोती हुई राखी दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो अपनी माँ की अंतिम यात्रा में उनकी जो तस्वीरें हैं वो दिल को चीर रही हैं। राखी सावंत जिस तरह से कहती हुई नज़र आ रही हैं कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं किसके गले लगकर रोऊंगी, किससे अपनी खुशी जाहिर करूंगी। राखी सावंत अपनी माँ के कितने करीब थी ये चीज़ अब सबको पता चल रही है। आज राखी सावंत की माँ पंचतत्वों में विलीन हो गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी, उनके कई करीबी दोस्त और कई बड़े सेलिब्रिटीज़ अंतिम यात्रा में शामिल हुए। माँ के अंतिम संस्कार में राखी की हिम्मत बढ़ाते हुए दिखाई दिए। रश्मि देसाई से लेकर यहाँ पर कई ऐसे जाने माने सेलिब्रिटीज़ आए और साथ ही राखी सावंत जिन्हें अपना मसीहा, जिन्हें अपना भगवान, जिन्हें अपना भाई जान मानती हैं, यानी कि सलमान खान। सलमान खान ने राखी सावंत की मां के निधन पर शोक जाहिर किया, श्रद्धांजलि उन्होंने उनकी मां को अर्पित की। दरअसल आपको बता दें कि राखी ने जब अपनी मां की याद में एक वीडियो शेयर किया तो इस वीडियो में वो सलमान खान को भी याद करती हुई नजर आई। दरअसल राखी की ज़िंदगी में सलमान खान का एक खास किरदार है। जब राखी की शादी टूट रही थी, जब उनके पति आदिल उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे थे, तो ऐसे में एक भाई की तरह सलमान खान सामने आए और उन्होंने अपनी बहन का घर बसाया, जिसके लिए राखी ने अपने भाई का शुक्रिया अदा किया। और आज जिस तरह से राखी ने अपनी माँ को खो दिया, उस दौरान भी वो अपने भाई को याद करती हुई नजर आई। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने अपने भाई को भी याद किया और कहा, सलमान खान आज मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। राखी सावंत की अगर माँ की बात करें तो लंबे समय से वो बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की भी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। और जिस तरह से आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गई है, पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। और इसी बीच यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राखी के साथ उनके करीबी दोस्त और उनके पति आदिल दुर्रानी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो भी दिल चीर देने वाली है। आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहाँ एक ओर राखी अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर राखी को ट्रोल भी किया जा रहा था। दरअसल एक वीडियो को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन लगातार यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि चलिए आप और दिनों में राखी के कपड़ों को लेकर, उनके स्टेटमेंट को लेकर या फिर उनकी कह सकते चीज़ों को लेकर, उनकी कहीं बातों को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं, समझ आता है। लेकिन आज कम से कम आज तो राखी का साथ दीजिए, आज तो राखी को बख्श दीजिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर इस वक्त उन्हें हर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में भी जिस तरह से ट्रोलर्स लगातार राखी की वीडियो पर हेट कॉमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये सही है? सवाल हमारा आपसे यही है, इसे लेकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। लेकिन जाने से पहले आपको वो वीडियो दिखाएंगे, वो दर्द भरी वीडियो कि क्या हाल राखी का हुआ जब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, उसके लिए देखिए ये वीडियो। In prayer, and then after that we will worship you. Let's just close our eyes right now. Thank you, Father. Lord, we just want to thank you for this afternoon that you've given us. Parmeshwar, please, din ke liye hum dhanyawad dete hain कि आपने यहाँ हम सबको इकट्ठा किया है। लॉर्ड, ऑल हु आर हियर बिकॉज दे लव आंटी।
सब जो यहाँ आया हैं प्रभु, वो आंटी से बेहद प्रेम करते हैं, इसके लिए वो यहाँ आए हैं। एंड लॉर्ड वी प्रे टुडे, वी रिमेंबर आंटी, वी रिमेंबर हर लाइफ। प्रभु हम याद करते हैं आंटी को, याद करते हैं उनके जीवन को, जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है यहाँ परमेश्वर। और प्रभु हम मांगते हैं कि आज प्रभु आप निरंतरण में हैं इस पूरी सभा पर। हम मांगते हैं परमेश्वर के, जैसे आपका वचन कहता है कि जहाँ भी दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ हूँ। और हम आज यहाँ विश्वास करते हैं कि आप यहाँ हैं परमेश्वर। हर चीज से बढ़कर ये है कि प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे। एंड टुडे लॉर्ड वी जस्ट बिलीव दैट योर नेम विल बी ग्लोरिफाइड, योर नेम विल बी लिफ्टेड अप इन दिस प्लेस लॉर्ड जीसस। वी वांट यू टू रिसीव ऑल द ग्लोरी एंड ऑल द ऑनर। वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू लॉर्ड, सो वी थैंक यू एंड वी ब्लेस यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करेंगे दो गीत के द्वारा और उसके बाद हम इस सभा में आगे बढ़ेंगे। अगेन अ रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू स्टैंड यू कैन स्टैंड, इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट, बट लेट्स कीप आवर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड लेट्स जस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट दिस टाइम। थैंक यू। परमेश्वर हमेशा भला है, वो हमेशा हमारी भलाई करता है और उसकी करुणा सदा की है, सर्वदा की है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो हमेशा अपनी भलाई अपनी करुणा हम पे दर्शाता है। उसने इतने अच्छे कार्य हमारे जीवन में किए। आइए हम इस गीत को गाते हैं धन्यवाद के साथ।